अब ये पूरा तैयार करके ये स्लरी वाले टैंक में इसको डुबा दिया जाएगा। ये थोड़ा भारी हो गया क्योंकि नीचे बनाया हमने इसको, वरना आप इसको सुविधा से कंक्रीट पहले से ही डाल के सेट करके डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो स्लरी का टैंक है इसमें ये इसको पूरा अब ये डुबा देंगे और एकदम सीधा रख देंगे, सीधा ही रखेंगे, टेढ़ा नहीं रखेंगे। पूरा पैक होने के बाद में ये नीचे चला जाएगा और गाद पे जाके सेट हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसे ये नीचे चला गया, सिंक हो गया एक तरह से। अब इसमें से पानी छन के गोबर इसमें से नहीं जाएगा, गोबर का जो अर्क है वो मोटर की तरह सक कर सकते हैं आप। मोटर का इसलिए हम लोग करते हैं कि आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो आप इसको पंप करके भी कहीं पे भी भेज सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपको डालना है सीधा ड्रिप में भी छोड़ सकते हैं। प्राइम कर लो तो मोटर में, ये प्राइम करोगे तो एयर नहीं रहेगी, तो प्राइम करने के बाद में इसको फिर आप चला सकते हैं मोटर को और ये छन के आएगा पूरा पानी आपके सामने, बताएंगे हम आपको।